सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को बताऊंगा। इसके पहले मैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पर 3 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूं सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज का डेट है 1 जनवरी 2020। इस साल का ये पहला दिन है। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल एक तरक्की भरा हो, मंगलमय ये साल बीते आपका, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं आप सभी को एमए क्लासेज यूट्यूब चैनल की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो सबसे फर्स्ट रिजल्ट है कि इफ़ आर इक्वल टू दिस बी ए वेक्टर, आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जो है वो कोई भी अगर वेक्टर है तो देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर आर, तो डायरेक्शन कोसाइन ये होगा। डायरेक्शन कोसाइन ये क्या है जरा समझिएगा कि आई का जो कोएफिशिएंट है ए, उसमें हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा जिसको एल कहते हैं। और एम निकालने के लिए, सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए जे का कोएफिशिएंट में इससे डिवाइड करना है। और तीसरा, थर्ड डायरेक्शन कोसाइन जो निकालना है एन, तो उसके लिए हम लोग के का जो कोएफिशिएंट है सी, उसमें इससे डिवाइड कर देंगे। ये एल, ये एम और ये एन निकल जाएगा, तीनों डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से निकल जाएगा। अगर वेक्टर पता है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर आर, ए बी सी, ये जो कोएफिशिएंट है आई जे के का, ए बी सी, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। अब ये कैसे आया है, इसको रिजल्ट को भी आप जरूर देखिए, समझिए, क्योंकि किसी भी रिजल्ट को आप सिर्फ लर्न मत कर लीजिए बल्कि वो कैसे आया है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। लर्न करने से बहुत ज़्यादा विशेष फायदा नहीं होगा, लर्न तो करना ही है रिजल्ट को, लेकिन वो आया कहाँ से है वो चीज़ ज़रूर जानिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स जब बनाइएगा, सवाल बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो हम लोग चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये जो वेक्टर आर है, आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जो दिया हुआ वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, बी ए वेक्टर हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो जब डायरेक्शन कोसाइन है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो सपोज ये भी करते हैं कि लेट वेक्टर आर मैक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये वेक्टर आर है तो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में बीटा एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में गामा। सिर्फ हम यहाँ पर आर लिखे हुए हैं तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग अल्फा लिखे हुए हैं। तो अल्फा है क्या, अल्फा जो है वो वेक्टर आर और ओ एक्स के बीच का एंगल है और ओ एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अल्फा जो है वेक्टर आर और वेक्टर आई के बीच का एंगल है। तो अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन आर एंड ओ एक्स, दैट इज एंगल बिटवीन आर एंड आई कैप। तो ये अब दो वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है तो उसको कैसे निकालते हैं, आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं वेक्टर में तो उसमें पता होगा कि कोई भी वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आई और आर के बीच का एंगल है अल्फ़ा, तो हम लोग यहाँ पर कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हैं। कॉस अल्फ़ा जिसको हम लोग एल कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, तो कॉस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच का ये एंगल है तो क्या करेंगे, आर डॉट आई और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर इंटू मॉड ऑफ आई कैप। तो ये
जो डॉट प्रोडक्ट में जो फार्मूला होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का, वही फार्मूला हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर। तो देखिए आर है क्या, आर जो वेक्टर है वो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, और डॉट आई यहाँ पर डिवाइडेड बाय मॉड आर, और ये जो आई है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कीजिए तो आपको पता होगा आई जो डॉट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आई का आई के साथ डॉट करते हैं तो वो 1 होता है, और फिर जे डॉट आई करते हैं तो वो 0 हो जाता है, के डॉट आई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, तो उसको मत लिखिए, सिर्फ क्या बच जाएगा ए, और डिवाइडेड बाय मॉड आर बच गया। तो ये एल का वैल्यू कितना निकल गया, आप देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एल जो है वो डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू आ गया ए डिवाइडेड बाय मॉड आर। देखिए मैं यहाँ पर यही लाया हूँ, एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय मॉड आर, और मॉड आर है क्या, मॉड आर वेक्टर आर का मॉडुलस बता रहा है, तो वेक्टर आर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, वेक्टर आर जो है वो ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो इसका मॉडुलस निकालने का तरीका होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे हम लोग तीनों का जो कोएफिशिएंट है, तीनों का कोएफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, उसके रूट अंडर से डिवाइड कर देते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन एक ये एल जो है वो इस तरीके से निकल गया। अब सिमिलरली आप अगर एम निकालें तो ये भी आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं बी डिवाइडेड बाय मॉड आर आ जाएगा, उसमें ए डिवाइडेड बाय मॉड आर आ गया था, इसमें बी डिवाइडेड बाय मॉड आर आएगा, और मॉड आर का वैल्यू वेक्टर आर के मॉडुलस का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इसी तरीके से एन जो है वो निकाल सकते हैं, सी डिवाइडेड बाय मॉड आर आएगा, और ये सी रहने दीजिए, वेक्टर आर का जो मॉडुलस है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यही प्रूव करना था कि किसी भी वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइन ये तीनों होगा। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है जरा ये देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो निकलता कैसे है, डायरेक्शन कोसाइन कोई किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो उस डायरेक्शन कोसाइन में नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नॉन जीरो नंबर से, मान लीजिए के से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एल के एम के एन, तो ये कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। तो किसी भी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन कोसाइन में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी और सी से डिनोट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइन निकला हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम नंबर कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड आर, कोई भी नंबर से कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से, तो मॉड आर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉड आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं मॉड आर इंटू एल, फिर मॉड आर इंटू एम, फिर मॉड आर, सॉरी यहाँ पर एम होगा, और फिर लिख सकते हैं मॉड आर इंटू एन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइन है उसमें मॉड आर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, और इसका वैल्यू कितना है, मॉड आर इंटू एल का वैल्यू आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं, मॉड आर इधर ले आ जाइए, ले आइए, तो मॉड आर इंटू एल का वैल्यू कितना आ जाएगा ए, और फिर मॉड आर एम इंटू एम का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी, और फिर मॉड आर इंटू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा तो सी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू ए बी सी, तो ये डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बड़ा आसान होता है कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ये दिया हुआ है आर इक्वल टू टू आई प्लस फाइव जे माइनस थ्री के कैप, ये दिया हुआ है कोई वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन रेशियो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो होगा टू, फिर दूसरा डायरेक्शन रेशियो फाइव, और तीसरा माइनस थ्री, आई जे का के का कोएफिशिएंट जो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए इस टू में डिवाइड करेंगे हम लोग रूट अंडर, ये तीनों का जो कोएफिशिएंट है उसके स्क्वायर के सम्स के रूट अंडर से डिवाइड कर रहे हैं, तो
यहाँ पर ये हो जाएगा, दूसरा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय यही रूट अंडर जो भी आएगा उसी से डिवाइड करना है, और तीसरा हो जाएगा -3 कोएफिशिएंट, ये -3 और यही रूट अंडर से डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय, आप ये रूट अंडर देख सकते हैं, ये 4 आ रहा है प्लस 25 प्लस 9, तो ये 29 प्लस 9 यानी कि 38, रूट अंडर 38 हो जाएगा। और सेकेंड क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय वही रूट अंडर 38 यहाँ पर भी आएगा, और थर्ड हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 38। तो इस तरीके से ये जो वेक्टर दिया हुआ है उसका डायरेक्शन कोसाइन भी लिख डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, सिर्फ वेक्टर पता होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट जो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है, और इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट हुआ, अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2 आर प्रोपोर्शनल टू x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। क्या है ये रिजल्ट जरा देखिए, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, एक P सपोज कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट हम लोग Q सपोज करते हैं इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। अब ये दोनों पॉइंट को आप अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन आ रहा है लाइन सेगमेंट, इसका डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 होगा, यानी जो कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। कैसे, जरा हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए जरा समझिए, वेक्टर PQ क्या लिख सकते हैं, अगर किसी वेक्टर PQ को लिखना है तो एक तरीका होता है, आप लोग जानते होंगे, वेक्टर में पढ़े होंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हम लोग क्या करेंगे, Q का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q उसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ P को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वेक्टर PQ निकल जाएगा। अब Q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं Q का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा x2 i कैप + y2 j कैप + z2 k कैप, और इसी तरीके से P का पोजीशन वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए i यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी i है, दोनों को एक साथ हम लोग लिखते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, तो इसका कोएफिशिएंट बच जाएगा x2 - x1, और फिर इसी तरीके से j हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, दो जगह है तो j कॉमन ले लेते हैं, तो y2 - y1 हो जाएगा, और फिर इसी तरीके से हम लोग k कॉमन ले लेते हैं, तो k कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच रहा है z2 - z1। तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर PQ निकल गया। अब किसी भी वेक्टर का अगर वेक्टर पता है तो उसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। मैं अभी जस्ट बताया था कि अगर वेक्टर r इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है a i कैप + b j कैप + c k कैप, तो ये जो कोएफिशिएंट होता है i j k का abc, वही डायरेक्शन रेशियो होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो abc हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा ही a i + b j + c k के फॉर्म में ये वेक्टर है, तो इसीलिए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर PQ, ये वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो जो है वो क्या होगा, r जो कोएफिशिएंट है i कैप का, तो i कैप का कोएफिशिएंट क्या है x2 - x1, फिर j का k कैप का क्या है y2 - y1, और k कैप का क्या है z2 - z1। तो ये जो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 जो आया, ये वेक्टर PQ का निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब वेक्टर PQ का निकल रहा है मतलब ये लाइन सेगमेंट का भी होगा, लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा, मैं अभी बताऊंगा लाइन का क्या डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर किसी वेक्टर PQ का डायरेक्शन रेशियो ये निकला है, तो ये जो लाइन है इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ का भी डायरेक्शन रेशियो होगा x2 - x1 और y2 - y1 और फिर z2 - z1। अब जरा देखिए, मैं बताया हूँ डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डायरेक्शन रेशियो होता है। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, KL, KM, KN, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर
प्लस में लिखे या माइनस में या कोई भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डायरेक्शन रेशियो होता है। तो अगर साइन चेंज कर देते हैं, सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो है, इसमें सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी तो डायरेक्शन रेशियो ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो के एल के एम के एन डायरेक्शन रेशियो है, सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट आ रहा है, ये भी डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पर ये जब डायरेक्शन रेशियो है तो इसमें सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ वाई वन पॉजिटिव हो जाएगा, वाई टू नेगेटिव हो जाएगा और जेड वन पॉजिटिव हो जाएगा, जेड टू नेगेटिव होगा। तो ये भी डायरेक्शन रेशियो हो गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, या तो इसके कोऑर्डिनेट में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी डायरेक्शन रेशियो बताएगा, या फिर पी के कोऑर्डिनेट में इसके कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो दो पॉइंट के ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कर देंगे, जो भी डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट आ रहा है उसी को हम लोग या तो पी में क्यू को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या क्यू में पी को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो जो भी आएगा उसी को हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब हम लोग आगे देखते हैं कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। मैं वेक्टर का तो डायरेक्शन रेशियो बताया हूँ, अब लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग देखते हैं। देखिए लाइन जो है वो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जो लाइन है ओपी, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को इस लाइन का हम लोग कहेंगे डायरेक्शन रेशियो। अब लाइन जो है वो लाइन तो इन्फिनिटी तक इधर भी जाता है इधर भी जाता है, तो ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट होकर के यहीं पर रुक जाएगा, ये इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये जो है इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये दो लाइन है और दो लाइन के बीच का एंगल की अगर बात करें तो ये दोनों लाइन के बीच का एक एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो ये भी इसको भी हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन लाइन, तो ये पाई माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा। तो ये जो दो लाइन के बीच का एंगल है ये अल्फा है, तो पाई माइनस अल्फा भी एक एंगल होता है, एक एक्यूट होता है, एक ऑप्टिज होता है, या फिर दोनों 90 डिग्री हो सकता है। तो जब ये एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये फिर इधर कितना बनाएगा, इधर जो है वो पाई माइनस अल्फा बनाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ ये और ये इधर, तो ये पाई माइनस अल्फा बनाएगा। वेक्टर की जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही होता है, इधर पीछे की तरफ करते हैं तो वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो वेक्टर में सिर्फ एक ही एंगल अल्फा बनेगा, लेकिन लाइन में तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये भी एंगल हो सकता है, ये भी एंगल हो सकता है, तो अल्फा एंगल भी हो सकता है और पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो उसका कोसाइन लगा दीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो ये जो होगा इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको डिनोट करते हैं एल एम एन से, ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब जरा मैं अभी जो बता रहा था कि अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है तो पाई माइनस अल्फा भी बनाएगा, पाई माइनस बीटा भी बनाएगा एंगल, और पाई माइनस गामा भी बनाएगा। पाई माइनस अल्फा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, पाई माइनस बीटा बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, और पाई माइनस गामा बनाएगा जेड एक्सिस के साथ। अब इसमें भी हम लोग कॉस लगा देंगे तो भी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा और कॉस पाई माइनस गामा, ये भी डायरेक्शन कोसाइन होगा उस लाइन का। तो कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हो जाता है, माइनस कॉस अल्फा हो जाता है, ये माइनस कॉस बीटा हो जाता है, ये माइनस कॉस गामा हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, और कॉस अल्फा को एल से डिनोट कर रहे हैं तो ये माइनस एल हो गया, ये माइनस एम हो गया और ये माइनस एन हो गया। तो लाइन का टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है, एक एल एम एन है तो दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन है। तो डायरेक्शन कोसाइन का दो सेट मिल जाएगा लाइन का, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन का एक ही सेट होता है एल एम एन। अगर उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन का, तब वो माइनस एल माइनस एम एन माइनस एन होता है, लेकिन वो अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो वो तो दूसरा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन का एक ही सेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर लाइन में दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन मिलता है, एक एल एम एन और दूसरा माइनस एल माइनस एम माइनस एन।
तो ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम, प्लस माइनस एन, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया किसका, किसी भी लाइन का। अगर वो लाइन एंगल अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लाइन और वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन में यही डिफरेंस है और बाकी सारा रिजल्ट जो है वो सेम है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मैं नेक्स्ट वीडियो में एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का यूज करके हम लोग किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और ये पूरा सीरीज आप देखिएगा तो 3D अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, ये आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।